तो अभी क्रिकेट वाला जो चैप्टर है 10th चैप्टर, इसका पार्ट सेकंड देखते हैं। ओरिजिन्स ऑफ द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन क्रिकेट आर टू बी फाउंड इन बॉम्बे एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू स्टार्ट प्लेइंग द गेम वॉज द स्मॉल कम्युनिटी ऑफ जोरोएस्ट्रियंस द पारसीज। तो ओरिजिन है, जो उद्भव हुआ, शुरुआत हुई इंडिया में क्रिकेट खेलने की, वो बॉम्बे में स्टार्ट हुआ था। और पहली इंडिया की जो कम्युनिटी थी जिसने क्रिकेट को खेलना शुरू किया था, वो पारसीज थे, जोरोएस्ट्रियंस थे। बॉट इन टू क्लोज कॉन्टैक्ट विद ब्रिटिश बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्टर्नाइज द पारसीज फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन क्लब। और ये जो था इनका, पारसीज का काफ़ी ज़्यादा कांटेक्ट था ब्रिटिश से, क्योंकि ये लोग ट्रेडर्स थे, मतलब व्यापारी हुआ करते थे पारसी। तो इसकी वजह से ये लोग पहले ऐसे थे जिन्होंने वेस्टर्न कल्चर को, मतलब पाश्चात्य संस्कृति को अपनाया था, ये भी पहले थे। और इन्होंने पहला इंडिया का जो क्रिकेट क्लब था वो भी पारसीज ने ही फाउंड किया था, द ओरिएंटल क्लब इन बॉम्बे 1848। तो पहला इंडिया का जो क्रिकेट क्लब था उसका नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब, बॉम्बे में स्टार्ट हुआ था 1848 में। इस टाइम तक मतलब ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया था हमारी ऑलमोस्ट पूरी ही कंट्री पर। तो ये पारसीज ने स्टार्ट किया था, और सबसे पहले खेलना भी स्टार्ट किया था पारसीज ने, और ये हुआ था स्टार्ट बॉम्बे में। पारसी क्लब्स वर फंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय पारसी बिजनेसमैन लाइक टाटाज एंड वाडियाज। तो किस किस ने इसको स्पॉन्सर किया था, जो काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं आज भी हैं, वाडियाज और टाटाज, उन लोगों ने ही इसको स्पॉन्सर किया था, इस क्रिकेट क्लब को, ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। द वाइट क्रिकेट एलीट इन इंडिया ऑफर्ड नो हेल्प टू द एंथुसियास्टिक पारसीज। इन फैक्ट देर वॉज अ क्वेरल बिटवीन बॉम्बे गायखाना, अ वाइट ओनली क्लब, पारसीज क्रिकेटर्स ओवर द यूज़ ऑफ पब्लिक पार्क। और क्या था कि एक, मतलब जो वाइट एलीट थे, मतलब जो गोरे लोग थे हमारे देश में जो ब्रिटिश से आए थे, वो मतलब बिल्कुल भी कोई हेल्प नहीं की थी उन्होंने जो पारसीज थी उनकी। और उनके बीच में मतलब एक प्रॉब्लम भी रहती थी, जो जिम खाना था बम्बई का, बॉम्बे का, उसमें एक सिर्फ और सिर्फ वाइट्स वाला क्लब था जिसमें पारसी क्रिकेटर्स को कोई भी मतलब पब्लिक पार्क यूज़ नहीं करने देते थे, और उनमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी हो गई थी इस बात को लेके। पारसीज कंप्लेंट दैट द पार्क वॉज लेफ्ट अनफिट फॉर क्रिकेट बिकॉज द पोलो पोनीज ऑफ द बॉम्बे जिम खाना डग अप द सर्फेस। पारसीज ने ये भी कंप्लेन की थी कि जो मतलब बॉम्बे का जिम खाना जो सरफेस था, एरिया था पार्क का, वो अब क्रिकेट खेलने लायक नहीं बचा था, क्योंकि पोलो खेलने के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा उसमें गड्ढे हो गए थे पोलो खेलने की वजह से। पोलो पोनीज भी एक गेम है जो हॉर्स पे बैठ के, पोनी हॉर्स को कहते हैं ना, तो पोनीज पे बैठ के जो पोलो खेली जाती थी उसको पोलो पोनी बोलते थे। वेन इट बिकम क्लियर दैट द कोलोनियल अथॉरिटीज़ वर प्रिजुडाइज इन फेवर ऑफ देयर वाइट कंपेट्रियट्स, द पारसीज बिल्ड देयर ओन जिम खाना टू प्ले क्रिकेट इन। अब पारसीज को समझ में आ गया था कि ये लोग तो, गोरे लोग तो हमारी हेल्प करेंगे नहीं, तो हम लोगों को खुद ही अपने लिए एक अलग जिम खाना खोलना पड़ेगा जिसमें हम आराम से क्रिकेट खेल पाएंगे। राइवलरी बिटवीन पारसी एंड द बॉम्बे जिम खाना हैड अ हैप्पी एंडिंग फॉर देयर पायनियर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। मतलब जो जिम खाना की और पारसीज की जो दुश्मनी हो गई थी, वो मतलब जल्दी ही खत्म हो गई, और एक हमारी क्रिकेट जो था वो अच्छे से बढ़ने लगा। पारसी टीम बीट द बॉम्बे जिम खाना एट क्रिकेट इन 1889, जस्ट 4 ईयर्स आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। तो 1889 में जो था, पारसीज ने बॉम्बे जिम खाना को हरा दिया था। और वो कब हुआ था, जो कांग्रेस का फॉर्मेशन था वो 1885 में हुआ था, और 1889 में पारसीज ने बॉम्बे जिम खाना को हरा दिया था क्रिकेट के मैच में। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वॉज लकी टू हैव ऑलमोस्ट इट्स अर्ली लीडर्स द ग्रेट पारसी स्टेटमेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल दादा भाई नौरोजी। और जो कांग्रेस थी उसमें पारसी लीडर थे, काफ़ी बड़े लीडर थे दादा भाई नौरोजी, वो भी थे। मॉडर्न क्रिकेट इज डोमिनेटेड बाई टेस्ट एंड वन डे इंटरनेशनल्स प्लेड बिटवीन नेशनल टीम्स। और जो आज का क्रिकेट है, खैर टेस्ट तो अब काफ़ी कम ही हो गए हैं, अब तो 2020 बहुत ज़्यादा हो गया है, प्रचलन में आ गया है। और वन डे क्रिकेट 50 वाला जो ओवर मैच होता है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। प्लेयर्स हु बिकम फेमस, हु लिव ऑन इन द मेमोरीज ऑफ क्रिकेट्स पब्लिक आर दोज हु हैव प्लेड फॉर देयर कंट्री। जो लोग मतलब लोगों की यादों में रह जाते हैं, वो लोग होते हैं जो देश के लिए खेलते हैं क्रिकेट। प्लेयर्स इंडियन फैंस रिमेंबर इवन नाउ आर दोज हु वर फॉर्चुनेट इनफ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। और मतलब उनको भी याद रखते हैं जो टेस्ट, जिन्होंने कभी टेस्ट क्रिकेट भी खेला होता है। सी के नायडू, एन आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन ऑफ हिस टाइम, लिव्स ऑन इन द पॉपुलर इमेजिनेशन व्हेन सम ऑफ द हिज ग्रेट कंटेम्प्रेरीज लाइक पलवंकर विट्ठल एंड पलवंकर बल्लू हु हैव बीन फॉरगॉटन। और कुछ लोग जैसे कि सी के नायडू को आज भी लोग याद रखते हैं, बल्कि कुछ लोग जो हैं जैसे कि पलवंकर विट्ठल, पलवंकर बल्लू, इन लोगों को भूल गए हैं लोग।
इवन दो नायडू वॉज पास्ट हिज क्रिकेटिंग प्राइम वेन ही प्लेड फॉर इंडिया इन इट्स फर्स्ट टेस्ट मैचेस अगेंस्ट इंग्लैंड स्टार्टिंग इन 1932 हिज प्लेस इन इंडियाज हिस्ट्री इज एश्योर्ड बिकॉज ही वॉज द कंट्रीज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन. और ये जो थे सी के नायडू ये कंट्री के पहले टेस्ट कैप्टन थे इसलिए इनको आज भी इनके खेल के लिए याद किया जाता है. इंडिया एंटर्ड वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932 अ डिकेड एंड अ हाफ बिफोर इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन. मतलब हमारा जो देश आज़ाद हुआ था वो तो 1947 में हुआ था, उससे डिकेड होता है 10 साल का और हाफ अ डिकेड, डिकेड प्लस हाफ हो गया 15 ईयर्स, तो लगभग 15 साल पहले इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट में एंटर कर चुका था आज़ाद होने से पहले. दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम इट्स ओरिजिन इन 1877 वॉज ऑर्गेनाइज एज अ कॉन्टेस्ट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. और ऐसा इसलिए हो पाया था क्योंकि जब से क्रिकेट का उद्भव हुआ था, मतलब जब से क्रिकेट स्टार्ट हुआ था तब से जो ये ब्रिटिशर्स थे ये क्रिकेट के कॉन्टेस्ट वगैरह करवाते रहते थे इंडिया में भी. नॉट सोवरेन नेशन मतलब ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट था मगर इंडिया सोवरेन का मतलब होता है जो जिसपे जिसके ऊपर कोई ना हो. जैसे इंडिया एक सोवरेन नेशन है, इंडिया के ऊपर कोई नहीं है, इंडिया आज़ाद देश है, तो उसके बारे में बात की गई है. फर्स्ट टेस्ट वॉज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया व्हेन ऑस्ट्रेलिया वॉज स्टिल वाइट सेटलर कॉलोनी. पहला जो टेस्ट क्रिकेट खेला गया था वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था और उस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया भी एक कॉलोनी थी, मतलब ब्रिटिशर्स का ही राज था किस पर, ऑस्ट्रेलिया पर भी. सिमिलरली स्मॉल कंट्रीज ऑफ कैरेबियन दैट टुगेदर मेक अप वेस्ट इंडीज टीम वर ब्रिटिश कॉलोनीज टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. और जो कैरेबियन नेशंस हैं जो नॉर्थ अमेरिका का एरिया है उससे अगर ईस्ट साइड में देखें तो छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं, वो सारे के सारे मिल के बनाते हैं वेस्ट इंडीज़. जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है ना वो एक मतलब कोई एक ही पर्टिकुलर रीजन नहीं है, उसमें पूरे काफ़ी सारे करेबियन के आइलैंड्स आते हैं. और वो कब तक कॉलोनी रहते थे ब्रिटिश के, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, मतलब 1940s 45 तक भी वो ब्रिटिशर्स के अंडर रहे थे. अब इसका देखते हैं हम पार्ट थ्री, वो देखेंगे हम, देखते हैं कितना बड़ा है पार्ट थ्री. चलो इसी इस वाले में देखते हैं हम अब आगे पार्ट थ्री. टेलीविज़न कवरेज चेंज क्रिकेट. अब टेलीविज़न जब आ गया तो उसने मतलब काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट को चेंज कर दिया था, इसने काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस को बढ़ा दिया था जो गेम को देखते थे. और इसने टेलीविज़न की हेल्प से जो क्रिकेट का गेम था वो गांव-गांव तक, छोटे छोटे शहरों तक भी पहुंच गया था. क्योंकि पहले क्या होता था, क्रिकेट को देखना है स्टेडियम में जाओ, मगर जब टेलीविज़न आया तो आप टेलीविज़न पर बैठ के ईजीली क्रिकेट को देख सकते थे. इट ऑल्सो ब्रॉडन क्रिकेट सोशल बेस. अब क्या हुआ, इसकी सोशल बेस भी बढ़ा, मतलब ज़्यादा लोग देखने लगे. चिल्ड्रन हु हैड नेवर प्रीवियसली हैड द चांस टू वॉच इंटरनेशनल क्रिकेट बिकॉज दे लिव्ड आउटसाइड द बिग सिटीज़ कुड नाउ वॉच एंड लर्न बाय इमिटेटिंग देयर हीरोज. अब बच्चे टीवी में देख के सीखने लगे थे अपने जो उनको हीरो मानते थे, जिनको जिनको अपना आइडल मानते थे, पहले तो देख नहीं पाते थे, अब वो टीवी की हेल्प से उनको आराम से मैचेस को देख सकते थे और उनको कॉपी कर सकते थे. टेक्नोलॉजी ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन एंड द वर्ल्ड वाइड रीच ऑफ मल्टीनेशनल टेलीविजन कंपनीज क्रिएटेड अ ग्लोबल मार्केट फॉर क्रिकेट. वही कि सैटेलाइट टेलीविजन जो आने लगा, सैटेलाइट की हेल्प से टेलीविजन जो आने लगा और इसने पूरी तरह हर जगह उसको क्रिकेट को फैला दिया. मैचेस जो सिडनी में होते थे वो सूरत में आसानी से देखे जा सकते थे. जो इंडिया की काफ़ी बड़ी व्यूअरशिप है क्योंकि इंडिया में क्रिकेट को काफ़ी अच्छा माना जाता है, एक कहते हैं इंडिया में तो एक रिलीजन, एक धर्म की तरह क्रिकेट को फॉलो किया जाता है. तो एंड द लार्जेस्ट मार्केट इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड द गेम सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड टू साउथ एशिया. तो साउथ एशिया वाला जो हमारा रीजन है, इंडिया आता है इसमें, पाकिस्तान अफगानिस्तान आता है, श्रीलंका आता है, बांग्लादेश और नेपाल भूटान, इस वाले एरिया में लोग क्रिकेट को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं. तो क्रिकेट का जो सेंटर है ना वो साउथ एशिया में ही ऑलमोस्ट शिफ्ट हो चुका है. दिस शिफ्ट वॉज सिम्बलाइज बाय द शिफ्टिंग ऑफ ICC हेडक्वार्टर्स फ्रॉम लंडन टू टैक्स फ्री दुबई. और ये शिफ्ट जो है इससे भी बताती है कि लंडन से ICC के हेडक्वार्टर्स कहाँ चले गए, दुबई में चले गए. 150 years ago, the first Indian cricketers, Parsis, had to struggle to find an open space to play in. आज से 150 साल पहले जो Parsis थे, जो इंडिया के पहले क्रिकेटर्स थे, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, स्ट्रगल करनी पड़ी थी कि एक उनको एरिया मिल जाए खाली जिससे कि वो कहीं खेल सकें. और आज क्या है, ग्लोबल मार्केट स्पेस हैज़ बीन मेड, इंडियन प्लेयर्स द बेस्ट पेड, मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स इन द गेम. और आज का इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा उनको पे किया जाता है, सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाले, सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले जो क्रिकेटर्स हैं उसमें बहुत सारे हमारे इंडियंस हैं. दिस ट्रांसफॉर्मेशन वॉज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉलर चेंजेस. ये जो चेंज आया है, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आया है, इसमें बहुत छोटे 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 चेंजेस हैं, बदलाव में कई सारे चेंजेस का
योगदान रहा है वो क्या क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ जेंटलमैनली एमेच्योर बाय द पेड प्रोफेशनल। पहले क्या होता था, लोग सिर्फ शौक के लिए खेलते थे, और अब शौक के लिए और पैसे के लिए दोनों के लिए खेलते हैं। अब प्रोफेशन बन गया है, जैसे कि टीचिंग है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, इसी तरह से क्रिकेटर बनना भी एक प्रोफेशन बन गया है अब। द ट्रम्प ऑफ द वन डे गेम एज इट ओवरशेडो टेस्ट क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी, रिमार्केबल चेंजेस इन ग्लोबल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। और जो वनडे क्रिकेट है उसने टेस्ट क्रिकेट को भी काफ़ी ज़्यादा पीछे कर दिया है, और अब काफ़ी ग्लोबल चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि कॉमर्स में और टेक्नोलॉजी में, और इससे क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। तो कैसा लगा आपको, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।